अरे भाई पिक्चर देखे बिना कैसा बैठ हो Thank you.
Yeah.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आमिर खान जी से मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता का रोल बखूबी निभाया है और उन्होंने जो जितनी मेहनत की है वो फिल्म में दिख रही है। तो और मेरे रोल में फातिमा सना शेख है जो फाइनल में बाउट में लड़ती है और बबीता के रोल में शना है, तो दोनों ने बखूबी किरदार हमारे निभाए हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छे से कोई और निभा पाता हमारे रोल। और कुछ टेक्निक्स कुश्ती में ऐसी भी लगाई इन्होंने जो मैं नहीं लगा पाती, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं हमारी बहनें हैं, हम हम ही हैं बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगी है वो झलक है, हमें लग रहा कि उस रोल में हम ही घुस चुके हैं। जो इन्होंने रोल निभाए वो बेखूबी बहुत ही शानदार, मैं शायद उसकी तारीफ इतनी कर नहीं पाऊंगी जितन बोल के जितना इन्होंने किया है जी। उन्होंने हमसे यही बोला कि वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, और आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए और पूरी दुनिया आपको देखेगी और कुछ सीखेगी। तो और सब जी, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और अब लोगों को पता चलेगा और इसको देख कर और भी लड़कियां इसमें आगे आएंगी स्पोर्ट्स में किसी भी क्षेत्र में, तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस फिल्म को देख कर। उन्होंने तो बहुत तारीफ की, मतलब बहुत तारीफ की, उन्हें बहुत अच्छी लगी फिल्म, उन्हें हमारा काम अच्छा लगा। छोटी गीता बबीता, बड़ी गीता बबीता, आमिर सर, तो मैं खुश हूँ कि सबको अच्छी लगी। जी आपसे एक सवाल, आप काफ़ी खुश से बात करती हैं, हमारे बॉलीवुड के काफ़ी स्टार जो फेयरनेस क्रीम एंडोर्स करते हैं, तो क्या ये रेसिज्म की तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करते हैं हमारे बॉलीवुड स्टार, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गोरेपन की जो क्रीम होती है। देखिए है तो इंसान ही गोरा काला, उसमें क्या हुआ इंसान सही है या गलत है वो एंडोर्स करना। देखिए दंगल फिल्म आ रही है उसके बारे में बात करिए तो वो अच्छा रहेगा। क्या आज हमने स्क्रीनिंग देखी है, फिल्म देखी है, हम उस बहुत खुश हैं उसको लेके, तो उस बारे में बात करो तो अच्छा रहेगा। यस जानी चाहिए, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जाएगी ऑस्कर के लिए। आई थिंक अगर ये हमारा काम और लोगों को अगर बहुत अच्छी लगी मूवी, आई थिंक मेरे लिए वही ऑस्कर होगा। हाँ मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वही होगा, अगर मेरी पहली मूवी है फातिमा की भी, और अगर लोगों को ये अच्छा लगा इससे बड़ी मेरे से आई थिंक ऑस्कर भी इससे बड़ी बात नहीं होगी अगर लोगों को ये अच्छी लगी। आई थिंक ऑडियंस का प्यार सबसे बड़ा होता है, अवार्ड्स तो मिले या ना मिले, हाँ मिले ना मिले वो पता लगे लोग, क्योंकि लोगों का प्यार आपके साथ ज़्यादा रहता है, अवार्ड तो वहाँ पे शो पीस की तरह रह जाता है। तो आई थिंक मेरे सो मच आपके फादर और आपके भी फादर आ रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता, उनको पूछना पड़ेगा, पापा बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
बुढ़िया था हमारा अमीर भाई जो मेहनत कर रखी है, सच्चाई हकीकती है, जो पिक्चर में है स्टोरी है वो सच्ची कहानी है, और बड़ी मेहनत की भाई साहब ने, और दाव भी बहुत बढ़िया, वजन भी ठीक बढ़ाया था, सही पहलवान कैसी बॉडी बनाई है, बहुत बड़ी मेहनत की है, और मैं नहीं इस दुनिया को पता लग जाए हकीकत क्या है हिंदुस्तान के अंदर, खास करके हरियाणा में लड़का और लड़कियों काफ़ी भेदभाव है, लेकिन ये जो पिक्चर स्टोरी देखा है, पिक्चर देखेगा दंगल, अच्छा माँ बाप में आज ही फर्क हो गया, और इसके बाद में काफ़ी बदलाव आएगा, जो लोग अपनी लड़कियों को कम इज्जत देते हैं वो माँ बाप विशेष सबक लिए, और अपनी लड़कियों को जो जो मैंने पाली हैं कोशी हैं वैसी इज्जत वह माँ बाप अपनी लड़कियों करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है महावीर जी और उनकी दो बेटियाँ गीता बबीता, हमें बड़ी चिंता थी कि आप लोगों को पिक्चर कैसी लगेगी, तो हमें बेहद खुशी है कि महावीर जी गीता जी बबीता जी को फिल्म इतनी पसंद आई है, और जो उनकी कहानी है वो हम पर्दे पर ला सके हैं और इनको इतनी अच्छी लगी है, तो हमें सबसे बड़ी खुशी उस बात की। और सचिन जी भी आए थे आज, राज जी भी आए थे, सभी को फिल्म बहुत पसंद आई, और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमने मेहनत की है, जो नितिश सर ने जो कहानी और डायरेक्शन किया है और पूरे टीम ने जो काम किया है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत खुशी हो रही है। महावीर जी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको फिल्म में? देखिए सबसे अच्छी जो कुश्ती लगी, और जो लड़कियाँ से जो प्यार मैंने प्रेम दिया है लड़कियों को, जो प्रेम दिया है, हाँ, और जो मेहनत की है उनकी करवाई, जो उनको बुरा लगा था लग रहा था, लेकिन उन्होंने बाद में लगा पिताजी अच्छे करवा रहे हैं, हाँ, तो क्यों देखो कोई भी जो बड़ी अच्छा काम करोगे तो उसको बांध आएंगे, मेरे काफ़ी दिक्कतें आई हैं, पैसे की दिक्कत आई है, समाज की में गाड़ियाँ सुनी बहुत, समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अभी ये जो पिक्चर देखी भाषा जो मेहनत कर रखी है दुनिया पता चल जाएगा अभी वाक्य में फिक्र क्या है। सी आई एम नेवर कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज एम नर्वस अबाउट ऑल माई फिल्म, तो जब भी हम इतने प्यार मोहब्बत से फिल्म बनाते हैं तो हमें फिक्र होती है कि ऑडियंस को कैसे लगेगी, अब तक ऑडियंस ने नहीं देखी, अब तक हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं, आज महावीर जी ने देखा, तो जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छी लग रही है, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमें इंतज़ार है कि जब 23 को फिल्म लगेगी और ऑडियंस देखेगी उनको कैसे लगेगी, हमें उसका इंतज़ार है। मैं इसके जो भाई साहब मूवी बने आई इसके बारे में सारी जो भाई साहब की जो टीम है और नीतीश तिवारी जी और उनकी जो टीम है, मैं तहे दिल से शुक्रवाद गुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी लोगों की और भाई साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ, जो इन टीम मेहनत करके फिल्म बनाई है, जो दुनिया को जो पता लगा जो सच्चाई क्या है, और सच्चाई बात नहीं कोई भी बनावटी बात में सारी हकीकत का नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। देखिए भाई साहब का वही मैं जो सोच है भाई साहब लगे हैं भाई, जो खास करके हरियाणा राजस्थान में उत्तरी भारत में ज़्यादातर जो लड़कियों और लड़कों में बहुत भेदभाव है, तो ये फिल्म देख रही है इसके बारे में जो हर एक माँ बाप को मैसेज भाई साहब ने कोशिश की है भाई हर एक माँ बाप को मैसेज आएगा जो अपनी लड़कियों को प्रेम प्यार करें, और जिस प्रकार मैंने परवरिश की है हर एक, मैं सभी माँ बाप से दुआ करता हूँ सभी माँ अपनी लड़की को भाई प्रेम प्यार दें अपनी लड़की को और जो उन्हें आगे बढ़ाएँ। किन के लिए? हाँ हाँ, मैंने उनको मैसेज दिया है कि वो जब भी फिल्म देखना चाहें, क्योंकि दोनों मसरूफ हैं, तो जब भी वो फिल्म देखना चाहें हम उनके लिए स्क्रीनिंग रखेंगे ज़रूर। हमने कुछ लोगों से बात की थी, हमने फिल्म देखी, आप देखना सामने जी 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 ऐसे सुनो देखिए, हमें सिर्फ ये खुशी है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और हमें उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है हमारी ऑडियंस उनको फिल्म पसंद आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं अवार्ड्स का नहीं सोचता, मैं आपको सच बताऊँ, मैं मुझे हमेशा ये दिल में बात रहती है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है हमारी ऑडियंस जो है उनको फिल्म कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्या सही है?
हाँ बैन हट गया है, लेकिन हमारी फिल्म वहाँ नहीं लग रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी फिल्म, मतलब मुझे तो ये लगता है कि महावीर फोगाट जी ने जो उनकी लाइफ के बारे में जो हमें बहुत कम पता था, वो बहुत महान चीज़ उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को रेसलर्स बनाया, और उसी को पर्दे पर देखना थ्रू आमिर वे ही हैज़ पोर्ट्रेड इट एंड द वे नितेश हैज़ मेड द फिल्म, बहुत कमाल लगी। आई थिंक ये सबको पसंद आएगी। इट्स फॉर ऑल स्पेशली ऑल द वुमेन। आई थिंक दे विल लव इट। मेरा भी कुछ बोलने का है तो बोल ले ले भाई, किसको लेने का है कुछ ले। तू तो हानिकारक है सेहत के लिए, तू तो
तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है, डिसिप्लिन इतना। Even if we are a big celebrity or we are a star, we should be down to earth and we should be friendly with everyone. So even if you are a big big celebrity, even if you achieve anything, you should be down to earth and you should be very kind. So we're not behaving ourselves like an actor, but and moreover, we didn't do this movie merely for fame. Yeah, of course. We really had a lot of respect for this movie and the script. So that's why we had to do it. Okay, guys. Actually, we look forward to Aamir sir's picture because वो काफी you know साल में एक बार आती है and we look forward to it because उनकी फिल्म का अलग ही लेवल होता है तो think don't remember I think Gajni was my first film. देखना वहाँ पर है ओके थैंक यू सो मच इनफैक्ट जो मेन प्रतिक्रिया मैं वेट कर रहा था वो महावीर सिंह जी और गीता और बबीता की थी और एक हालांकि इतने लोग फिल्म देख चुके थे पहले और उनकी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक थी और सब लोगों को बहुत पसंद आई थी बट मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि महावीर जी और गीता और बबीता को ये फिल्म कैसी लगेगी और जब उन्होंने आके बोला कि फिल्म उनके दिल को छू गई तो बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था एक्चुअली बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस था जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है उनको कैसी लगती है हाँ उनके साथ इंसाफ किया कि नहीं मोर देन परफेक्ट होते मेरे ख्याल से तो एज ए डायरेक्टर इससे ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते एक कलाकार इतने बड़े स्टेचर का इतने दूर तक जाकर आपके विजन को साकार करने में पूरी कोशिश करे और ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि उसको आपकी उम्मीदों पे कई गुना ज़्यादा खड़ा उतरे उससे ज़्यादा कोई एक डायरेक्टर नहीं मांग सकता एक्चुअली मुझे एक चीज़ कहनी है वो ये कि जब कोई भी डायरेक्टर कहानी सुनाता है तो हम जब कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है एक इमेजिनेशन होता है और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी डायरेक्टर की ये होती है कि जब वो आपको जो आपको नरेट करे जो पेपर पे है वो पर्दे पे उसी तरह ला सके उसको और बेटर ला सके और मुझे बेहद खुशी है कि नितेश जी एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो मुझे सुनाया था उससे 10 कदम आगे उन्होंने फिल्म बनाई है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो मैंने ट्रस्ट और फेथ नितेश जी में रखा वो उससे आगे बढ़कर उन्होंने हम सबको इतने अच्छी तरीके से लीड किया जिस समझदारी से फिल्म बनाई है तो थैंक यू सर अगर किसी ने ये फिल्म पहले नहीं देखी होती और अगर ये फिल्म पहली बार दर्शकों के सामने जाती तो जाहिर है कि मैं बहुत नर्वस होता बट थैंक्स टू आमिर सर हम लोगों ने इतनी प्रतिक्रिया ले चुके हैं हम लोगों की और इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला है इतनी तारीफ मिली है कि अभी नर्वसनेस बहुत कम है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है तो लेकिन सर मैं आपको बताऊँ थिएटर में जब ऑडियंस देखती है ना तो फिल्म की एक अलग ही जिंदगी हो जाती है तो उसका मुझे इंतज़ार है मैं अभी तक मेरा नर्वसनेस अभी तक गया नहीं है मेरा टेंशन अभी तक गया नहीं है हम देखते हैं 23 का इंतज़ार है हाँ
देखिए मुझे लगता है नितीश जी और मेरे लिए सबसे अहम जो है वो हम जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है उनको फिल्म कैसी लगती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही हमारे लिए है कि हमारी ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.